खबर अलवर के राजगढ़ से। कस्बे के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। छात्र संघ चुनावों को लेकर सुबह से ही छात्र छात्राओं का कॉलेज परिसर से करीब 200 मीटर की दूरी पर लगे बैरिकेड्स के आसपास इकट्ठे होने शुरू हो गए। चुनाव प्रत्याशी वोट डालने आने वाले वोटरों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील और मान मनोहर करते नजर आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीएम मीणा ने बताया कि महाविद्यालय में प्रातः 10 बजे तक 10%, 12 बजे तक 29.56% मतदान रहा। उन्होंने बताया कि कुल 4,583 में से 1,779 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया एवं कुल 38.81% मतदान रहा। छात्र संघ चुनावों के दौरान पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए, वहीं व्यवस्थाओं को लेकर चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर तक वाहनों को प्रवेश पर रोक के लिए महाविद्यालय क्षेत्र के पंचायत समिति और टहला मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए। चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी और मतदान कैंप पर परिचय पत्र के साथ ही प्रवेश दिया गया। कार्यवाहक SDM अनिल सिंघल ने बताया कि चुनाव के दौरान पूर्ण शांति व्यवस्था रखने के लिए निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुबह से ही पुलिस कर्मियों का भारी बल तैनात रहा। प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को मतगणना सूचना, परिणामों की घोषणा और विजयी उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर DSP अंजलि अजीत जोरवाल, तहसीलदार जुगिता मीणा, थाना अधिकारी दयाचंद सहित टहला रेणी थाना पुलिस लाइन का जाप्ता मौजूद रहा। चुनाव की प्रक्रिया थी और छात्र संघ चुनाव लिंदो समिति और राजस्थान सरकार के नियमानुसार संपन्न कराए गए। आज 8 बजे से 1 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चली, मतदान डालने की प्रक्रिया चली, जिसमें 4 पदों पर निर्वाचन हुआ है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सेक्ट सचिव पर। हमारे यहाँ 8 बूथ रखे गए थे और 8 बूथों पर हमारे यहाँ शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जिनमें टोटल हमारे यहाँ जो वोट डले वो 1779 डले और हमारी परसेंटेज रही 38.81 और टोटल मत हमारे थे 4583, जिनमें से लगभग ये मत पत्र हमारे डले और शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। थैंक यू।